माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8। एबीसीडी जी रेक्टेंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स, चार पॉइंट दिए हैं। एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, यानी एक चतुर्भुज है, आयत है, आयत, ठीक है। कैसे है, देखिए, हमने जो है ये एक आयत बनाया, ये आपका ए बी सी और डी, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, -1, बी के हैं -1 और 4, सी के हैं 5 और 4 और डी के हैं 5 और -1। ये चारों के कोऑर्डिनेट्स हो गए। पी क्यू आर एस क्रमशः ए बी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। ये इसके जो है यहां पर, ये हमने इसके मध्य बिंदु है, ये हमने बनाए, ये हमने बनाया पी क्यू आर एस। ये क्या है, मध्य बिंदु है ए डी के, ए बी के, बी सी के और बीचों बीच है। चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक वर्ग है। ये पी क्यू एक, ये पी क्यू आर एस जो चतुर्भुज है, क्या ये एक वर्ग है या एक आयत है या एक सम चतुर्भुज है? व्हाट इज दिस, ये क्या है? ठीक है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर रेक्टेंगल है। क्या ये एक स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या रोम्बस है, आपको बताना है और साथ में जस्टिफाई भी करना है कि कैसे हैं। अब देखिए इसका आंसर हम देखते हैं, हल करते हैं इसको। सबसे पहले आप ये जो चारों पॉइंट है उनके निर्देशांक निकाल लो, क्योंकि हमको इसका पता करना है। पी क्यू आर अंदर वाला है, बाहर वाले से कोई लेना देना नहीं है। अंदर वाला जो ये चतुर्भुज है, ये क्या है? इस चतुर्भुज के आप ज्ञात कर लीजिए निर्देशांक। देखिए, मिड पॉइंट्स ज्ञात करने के लिए इनको जोड़ेंगे हम, यानी -1 और -1 है ये, इसके अंदर जोड़ेंगे -1 और 4। इनको जोड़ के हम क्या करेंगे, ये हो गए -2 और ये हो गए +3। फिर इसके अंदर आप 2 का भाग देंगे दोनों के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, 1 और ये होगा 3/2। तो ये जो आपका आ गया 1 और 3/2, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 और 3/2। ओके, इसी तरह से क्यू की, क्यू के कोऑर्डिनेट्स में आप क्या कहोगे, -1 और 4 है, इसमें 5 और 4, इनको आपने जोड़ा तो +4 हो गए और इनको जोड़ा तो 8 हो गए। इसमें 2 का भाग दो, इसमें 2 का भाग दो, ये हो गया 2 और ये हो गया 4, इसका कोऑर्डिनेट्स हो गया 2 और 4। अब आप आइए तीसरा, आर का। आर में क्या है, 5 और 4, इसमें से जोड़ो आप 5 और -1, ये हो गया 10 और ये हो गया 3, ये 10/3 और ये 2, यानी हो गया 5 और 3/2, ये हो गया इसका कोऑर्डिनेट्स 5 और 3/2। और एस का कोऑर्डिनेट्स 5 -1 में आप जोड़ो -1 और -1, जोड़ दिया ये 4 हो गया और माइनस के 2 हो गए, इसमें 2 का भाग दो, इसमें 2 का भाग दो, ये 2 आया और ये माइनस का 1 आ गया, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 2 और -1। ये हमारा एक काम हो गया। अब आपको क्या करना है कि इनकी दूरियां ज्ञात करनी है, और ये पी क्यू क्यू आर आर एस, इसकी दूरियां ज्ञात करनी है। और दूरी ज्ञात करने के लिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, √(x^2 − x^1) + (y^2 − y^1) का अंडर रूट, ठीक है। यानी कि यहां पर जो है इसका, अगर आप पी क्यू की दूरी ज्ञात करोगे, ठीक है, तो पी क्यू बराबर क्या होगा, √। पी क्यू की निर्देशांक क्या होंगे, पी क्यू यानी इसमें से ये घटेंगे, ठीक है, यानी x^2 है 2, -1, ये माइनस है, ये 3/2, ठीक है, -1, और इसमें प्लस आएगा y^2, 4 − 3/2, 4 − 3/2। ओके, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका √, ये माइनस का प्लस हो जाएगा तो 3 हो गया। ओके, ये स्क्वायर है,
तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 बटा 2, इसको सरल कर लो, इसके 4 बटा 1 कर दो तो 2 लघुतम आया। ये हो जाएगा आपका 8 में से 3 गया तो 5 बटा 2 का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा आपका अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। यानी आप जो है इसको जोड़ोगे, इसको 1 कर दो तो 4 इसका एलसी लेंगे, एलसीएम 4 लेंगे तो 9 चौक 36 हो जाएगा। ये 36 प्लस 25, तो 36 प्लस 25 बटा 4, यानी कि ये आपका अंडर रूट में तो रह जाएगा 61, और 4 का जो है वर्ग कर दोगे, वर्गमूल कर दोगे 2, 61 बटा 2 आ गया आपका, ये कि इसकी दूरी आ गई 61, अंडर रूट 61 अपॉन। इसी तरह से आप क्यू आर, पी क्यू जो आपने लिया, इसी तरह से आप क्यू आर ले लीजिए। क्यू आर बराबर आपका यहाँ 5 में से 2 आएगा ये एक्स टू, ठीक है, अंडर रूट यानी ये 5 में से 2 यानी 3 हो गया का स्क्वायर, प्लस 3 बटा 2 में से 4 घटाएंगे, 4 बटा 1 कर दो, 3 बटा 2 का इसका स्क्वायर, यानी ये हो गया 2, ये हो गया आपका 3 माइनस 8 यानी माइनस 5 हो गया ही, तो माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और नीचे हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ठीक है, ये स्क्वायर घट गया, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो 9 प्लस 25 बटा 4, या हम यूं कहेंगे कि 9 चौक 36 प्लस 25 बटा 4, यानी वही आ गया आपका अब 61 बटा 2, ठीक है, इसका वर्गमूल 2 हो गया, इसका 61 का वर्गमूल ये हो गया। तो ये आपका क्यू आर जो है ये आ गया अंडर रूट 61 बटा 2, ये आपका क्यू आर आ गया 61 अपॉन 2। अब आप ले लीजिए एस आर, ठीक है, एस आर, एस आर में क्या आएगा, इसमें से ये घटेगा, यानी 2 में से 5 घटेगा, 2 माइनस 5 ये अंडर रूट 2 माइनस 5 का स्क्वायर, प्लस माइनस 1 में से, माइनस 1 में से घटेगा 3 बटा 2 का स्क्वायर, यानी आपका ये आएगा माइनस 3 हो जाएगा, ये तो 2 माइनस 5 का मतलब हो गया माइनस 3, माइनस 3 का स्क्वायर, और ये क्या है 1 में से माइनस 3 बटा 2 घटाएंगे। देखिए एलसीएम 2 आया, 2 को माइनस 1 से गुणा किया तो माइनस 2 हो गया, माइनस 2 और माइनस 3 कितना हो गया माइनस 5 हो गया, ओके, तो माइनस 5 बटा 2 का स्क्वायर, यानी ये जो आपका है ये हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और प्लस माइनस 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 9 प्लस 25 बटा 4, यानी वही आपका 61 सेम आ गया जो पहले आ रहा था, यानी अंडर रूट 61 अपॉन 2, ठीक है। तो ये भी आपका इतना ही हो गया अंडर रूट 61 अपॉन 2। इसी प्रकार से आप एस का निकाल लीजिए, एस में क्या निकालोगे, इसमें से इसको घटाओगे, यानी माइनस 1 में से, माइनस 1 में से 2 घटाओगे इसका स्क्वायर, प्लस 3 बटा 2 है, इसमें से घटाओगे आप माइनस 1 इसका स्क्वायर, यानी आपका वही जो है ये माइनस 3 का स्क्वायर हो गया, और प्लस ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो 3 इसका 2 एलसीएम होगा, तो 3 और 2 5 हो जाएगा, प्लस 5 बटा 2 का स्क्वायर, यानी आपका यही आ गया 9 प्लस 25 बटा 4, यानी अंडर रूट 60 अपॉन 2 इसका भी आएगा। अब आपने ये सब कर लिए चारों दिशाओं के, चारों दिशाओं की जो चारों साइड है इनकी जो दूरियां हैं वो इक्वल है, यानी पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर एंड क्यू आर इज इक्वल टू आर एस एंड आर एस इज इक्वल टू एस पी, चारों
बुझाई अगर बराबर होती है तो वो क्या होता है, एक वर्ग होता है, और या एक सम चतुर्भुज हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, या एक स्क्वायर हो सकता है। लेकिन स्क्वायर के अंदर इसके जो डायगोनल्स हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। अगर इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो वो स्क्वायर नहीं होता, वो होगा रोम्बस यानी सम चतुर्भुज। अब इसके डायगोनल्स भी हम चेक कर लेते हैं। अब देखिए कि डायगोनल्स यानी ये और ये, इसको चेक करते हैं अगर ये इक्वल है कि नहीं है। तो डायगोनल्स का माप लेने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला आपको अपनाना पड़ेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला यानी वही जो आपने यहां अपनाया था, यही डिस्टेंस फॉर्मूला है। पहले आपने इन दिशा इन साइडों का किया था, अब आपको इनके डायगोनल्स यानी विकर्णों का करना है। तो एक्स माइनस एक्स, अब मान लीजिए इस विकर्ण का हम लेते हैं एस क्यू। एस क्यू जो विकर्ण है, डायगोनल है, इसका लेने के लिए ये आपका एक्स टू है और ये वाई टू है, तो ये दो हो गया, और माइनस एक्स वन यानी दो इसका स्क्वायर, और प्लस चार में से माइनस एक, चार माइनस माइनस एक का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ये एस क्यू का दूरी हम जानेंगे, एस और क्यू की डिस्टेंस कितनी है, यानी इसको हल करेंगे हम तो ये आ जाएगा दो माइनस दो यानी जीरो का स्क्वायर, प्लस चार माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, चार और एक पाँच यानी प्लस पाँच का स्क्वायर, अर्थात पाँच का स्क्वायर कितना हो गया, पच्चीस, अंडर रूट पच्चीस। और अंडर रूट पच्चीस को अगर आप इसका अंडर रूट खत्म करोगे तो पच्चीस का मूल कर दोगे तो पाँच आ जाएगा, यानी एस क्यू की वैल्यू क्या आ गई, पाँच यूनिट। ओके, इसी तरह से आप इसकी कर लीजिए पी आर की। पी आर में क्या होगा, वही अंडर रूट लगेगा। अब यहां पर पांच में से एक, पांच में से माइनस कीजिए माइनस वन, यानी ये पांच में से माइनस माइनस का माइनस वन घटा दीजिए, और प्लस कीजिए आप तीन बटा दो में से, ये एक्स टू है ये एक्स वन है, माइनस तीन बटा दो का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपका, ये माइनस माइनस प्लस तो छह का स्क्वायर हो जाएगा, ये छह का स्क्वायर प्लस ये तीन बटा दो में से तीन बटा दो गया तो जीरो का स्क्वायर, यानी ये आपका हो गया रूट छः का स्क्वायर यानी छत्तीस, और छत्तीस का अगर रूट घटा दोगे वर्गमूल निकालोगे तो छः, यानी ये आपका पाँच आया, ये छः आया, पी आर क्या आया, छः, यानी दोनों डायगोनल्स की जो दूरी है, लंबाई है, वो इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, और इक्वल नहीं है इसलिए ए एक वर्ग नहीं है। चारों दिशाएं तो इक्वल है लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं है, इसलिए वर्ग नहीं है, स्क्वायर नहीं है, तो फिर ये क्या है, ये एक सम चतुर्भुज है यानी रोम्बस है। चारों भुजाएं तो बराबर है लेकिन इसके विकर्ण बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, इसलिए ये एक रोम्बस है यानी सम चतुर्भुज है। क्लियर। देखिए इस क्वेश्चन का पूरा आंसर आपको यहां दिया गया है, यहां से लेके यहां तक, फिर आप पढ़िए इसको यहां से लेके यहां तक। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप इसको भी रेफर कर सकते हैं, इससे भी समझ सकते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।